टॉपिक है क्लास थ्री में लेसन फोर हेलो हेलो माने कि नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक, तो नमस्ते मतलब ये क्या है, ये एक अभिवादन है। नमस्ते करना अभिवादन है, दूसरों का सम्मान करना है ना। तो हमको इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से जो अभिवादन के जो शब्द हैं उसको आज हम इस पाठ में हम पढ़ेंगे कविता के माध्यम से। कैसे, किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। तो आप लोग भी मेरे साथ दोहराना, ठीक है ना। ये कविता है, उसका फिर मैं हिंदी अनुवाद भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो सबसे शुरू हम क्या करते हैं, कविता को पढ़ लेते हैं कि इस कविता में क्या है। हेलो हेलो, तो चलो हम कविता को पढ़ते हैं, है ना। ठीक, चलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग व्हेन इट्स मॉर्निंग। जोर से पढ़ो अच्छे से ना। गुड मॉर्निंग व्हेन इट्स मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून आफ्टर मिड डे। गुड आफ्टरनून आफ्टर मिड डे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग व्हेन इट्स ईव। गुड इवनिंग गुड इवनिंग व्हेन इट्स ईव। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू द सनशाइन। Good morning, good morning to the sunshine. Good morning, good morning to the sunshine. Good evening to the sunset. Good evening, good evening to the sunset. Good evening to the sunset. And when it's time to go away. And when it's time to go away. Goodbye, 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 bye. Goodbye, 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 bye. Goodbye, goodbye, goodbye. Very good. इस तरह से यह कविता है ना। और इसमें जो अभिवादन के जो शब्द है वह है गुड मॉर्निंग। अब मैं बताता हूँ गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग हम कब बोलेंगे, जब सुबह होती है तब। सुबह होती है तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। नमस्ते ना करके हम क्या बोल देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। किसी को हम सुबह भी क्या बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात, है ना। व्हेन इट्स मॉर्निंग, जब गुड मॉर्निंग, जब सुबह होती है तब हम कहते हैं, बोल रहे ना, गुड मॉर्निंग व्हेन इट्स मॉर्निंग। जब सुबह होती है तब हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसी तरह से गुड आफ्टरनून माने शुभ दोपहर। जब दोपहर हो 12 बजे के बाद तब हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। और कब बोलते हैं, आफ्टर मिड डे, जब दोपहर के बाद। आफ्टर मिड डे माने दोपहर के बाद, दिन के जो मध्य दिन होता है, बीच के दिन में जो बीच होता है यानी मध्य आता है, तो उसके बाद को हम बोला जाता है गुड आफ्टर। आगे गुड इवनिंग यानी कि शुभ संध्या, शुभ शाम। गुड इवनिंग माने क्या होता है, शुभ शाम। जब शाम हो जाता है, जब तुम लोग स्कूल से चले जाओगे 4 बजे छुट्टी, तो 5 बजे से तुम लोग क्या बोलना शुरू कर दोगे, गुड इवनिंग। जब शाम हो जाता है तो क्या बोलोगे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग व्हेन इट्स ईव। गुड इवनिंग
गुड इवनिंग जब बोलेंगे, जब शाम होती है तब। गुड इवनिंग हम कब बोलेंगे? जब शाम होती है तब। ठीक, उसके बाद बोल रहा है फिर गुड मॉर्निंग टू द सनशाइन। अब बता रहा है कि गुड मॉर्निंग के समय कैसा होता है। तो गुड मॉर्निंग का समय जो है, गुड मॉर्निंग यानी शुभ समय का समय होता है, शुभ सुबह यानी सुप्रभात का समय कैसा होता है? टू द सनशाइन, जब सूर्य जो है चमकता है, उगता है। सनशाइन माने सूर्य के चमकते हुए उगना, सूर्य का चमकते हुए क्या उगना, उसी समय होता है सुप्रभात यानी कि सुबह, तभी हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद गुड इवनिंग टू द सन सेट माने गुड इवनिंग, जब इवनिंग माने शाम, तो गुड इवनिंग माने शुभ शाम, हम जब शाम हो जाता है तब बोलते हैं। और उस समय कैसा समय होता है? टू द सनसेट यानी कि सन यानी सूर्य और सेट माने डूबना, तो सूर्य के जो डूबते का समय होता है उस समय को हम बोलते हैं गुड इवनिंग, जब सूर्य डूबता है ना। अब एंड वेन इट्स टाइम टू गो अवे, जब ये समय कम सा गुड मॉर्निंग का समय, गुड इवनिंग का समय, गुड आफ्टरनून का समय, ये सब समय चला जाता है, इस सब समय को सब जाने के बाद हम क्या बोलते हैं? गुड बाय 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 बाय, अलविदा कह देते हैं ना सबको, बाय बाय। जब कोई जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं ना, गुड बाय करके। तो उसी को बोल रहे, जब ये सब सारे समय चले जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? बाय 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 बोल देते हैं। यही इस पार्ट में बताया गया। ठीक।